नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरगोन जिले में विगत 14 वर्ष से पंचकोशी यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में इस वर्ष शनिवार को यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा शहर के नवग्रह मंदिर से शुरू होकर कालका माता मंदिर, गणेश मंदिर, सराफा बाजार, बस स्टेशन होते हुए नागझिरी पहुंची, जहां पहला पड़ाव होगा। यात्रा शहर के नवग्रह मंदिर से शुरू होकर कालका माता मंदिर, गणेश मंदिर, सराफा बाजार, बस स्टेशन होते हुए नागझिरी पहुंची, जहां पहला पड़ाव होगा। यात्रा में शहर सहित आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर में महाआरती कर कोरोना की शपथ ली और मास्क का वितरण कर यात्रा शुरू की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन स्तर पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं ने भी कोरोना महामारी से निपटने के उद्देश्य को लेकर पंचकोशी यात्रा निकाली है। इस दौरान नवग्रह मंदिर में पूजन अर्चन कर यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना महामारी को देश से भगाने की कामना के साथ पंचकोशी यात्रा निकली है और निश्चित तौर पर महामारी से निजात मिलेगा। ये तिथि ये नवग्रह शांति करने के लिए निकले हैं। 14 वर्ष हो गए, ये 11 से 18 वर्ष तक चलती है। क्या उद्देश्य क्या इसका? इसके नवग्रह शांति होते हैं हमारे देश में जब भी कोई क्या क्या सोच है आपकी इसके? हमारी ये सोच है कि हमको 14 वर्ष हो चुके हैं और ये पंचकोशी 40-50 आदमी से हमने शुरू करी थी। आज हमारे भाग्य है कि आज हमको इतना जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है और आज ये तो कोरोना के कारण पब्लिक हमारी थोड़ी कम आई है और हमने इसके साथ साथ 8-10 पंचकोशी और शुरू करी है। एक छिरवेल की, एक ऊन की, एक सेगांव की, एक सगुर भगुर माई की, एक नंदनेश्वर की। ये पंचकोशी हमने, ये हमारी एक धारणा, एक बाबा जी हमको कह गए थे कि तुमको 11 पंचकोशी करना है और करवाना है, तो ये हम 11 का उसका प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के हमारी सभी पंचकोशी सफल हो और इस करुणा को मार कर नवग्रह महाराज भगा कर इसको चीन में छोड़ गया।